डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो डिफाइंड है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज मोलैरिटी इज defined as number of moles of solute divided by volume of solution in liter। तो फार्मूला अगर हम देखें तो मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूट का अमाउंट दिया है वो 5 ग्राम दिया है NaOH का और 450 ml सॉल्यूशन दिया है। तो पहले हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे और मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट हो गया 5 अपॉन मोलर मास सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 5 अपॉन 40, तो आ जाएगा 0.125 मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 450, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.45 लीटर हो जाएगा। तो मोलैरिटी हो गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.45 और ये आ जाएगा 0.278 मोलर। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट मोल दिया है या फिर यहां से अगर इस फार्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। या फिर मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। तो
नेक्स्ट है लव डायमेंशन। लेट देयर इज ए सॉल्यूशन, हैविंग मोलैरिटी अमाउंट, वॉल्यूम वी वन, डाइल्यूटेड टू ए सॉल्यूशन, हैविंग मोलैरिटी एम टू, न्यू वॉल्यूम बिकम्स वी टू। तो एक सोल्यूशन है M1 V1 और जिसको डाइल्यूट किया गया है M2 V2। यहाँ से अगर हम देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू M1 V1 और यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू M2 V2। अब डाइल्यूशन में बाहर से सॉल्यूट तो डाला नहीं गया है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहां से आ जाएगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V1।